सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरेन सर ओडिया पे प्रथम थर पर चैनल को व्यू करते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भूलिनी भिडियो भल लगे हृदय एक लाइक करेंगे और भिडियो को अधिक रू अधिक प्रमाण में सेयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आज भिडियो में आम ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 मसीह आपण मानक एग्जाम परिवेश विज्ञान विभाग टी आलोचना करवा नर्माली आपण मानक 2016 प्रथम थर पर ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्टार्ट होता जो थे कि आपण मानक सेतबेले कोनोसी डिस्टिंक्शन नथिला अर्थात आपणकर वर्तमान जे भली भाबरे चारोटी विभाग स्वतंत्र प्रश्न आसुची सेतबेले सेमिति कोनोसी विभाग नथिला तेनु आपण मानकर विज्ञान एवं बा साइंस एवं सोशल साइंस रु मिसे करी 2016 रे 24 क्वेश्चन आसीला। ओके आमे से 24 टा क्वेश्चन को नै जाइछंती एई भिडियो रे एवं ताकु आमे परिवेश विज्ञान रो नाम देइछंती। सो भिडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु सो दैट आपण कोनोसी भी भिडियो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिस करिवेनी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फास्ट क्वेश्चन आपण रही छोट छोट पिलामानंकु धरी खाई पारुथिबा उद्भिदर नाम कौन ऑप्शन उडी रही आंब कइया कदळी पिचर। सो आपणर सठिक उत्तर होची पिचर प्लांट जहाँ होची आपण गोटे कार्निवोरस प्लांट जो माने कौन करती ना छोट छोट पोक मानक धरी से माने कौन करती ना खाई दियंती से थुरु से मानकर तांको शरीर रही नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट गुड़िक हेल्पफुल होता है ग्रोथ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मशा कामुड़े क्यों रोग हुए ऑप्शन गुड़िक रही मैलेरिया चिकनगुनिया डेंगू ए समस्त रोग। सो आप मन रखु जे दी प्रत्येक रोग समस्त ही आपण मानक मशा कामुड़ा जो होता है तेणु ए समस्त रोग ही आपण मानक मशा कामुड़ा जो होता है जमीक आप मैलेरिया होता है माइएनोफिलिस मशा कामुड़ा द्वारा डेंगू होता है रिस मशा द्वारा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोलकुंड दुर्ग क्यों अवस्थित मन रखु गोलकुंड दुर्ग आपंकर हाइद्राबर तेलेाना सहर में अवस्थित। सो आपण मानक सठिक उत्तर हूँ हाइद्राबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अरब सगर में क्यों नदी पड़ी। सो आप क्वेश्चन नंबर 16 हूँ सठिक उत्तर नर्मदा आप ऑप्शन रही गोदावरी नर्मदा कृष्णा संगा। तो मन रखुद नर्मदा नदी आप अरब सगर में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न रही क्यों राज्य में सर्वाधिक चाह चाष होता है ऑप्शन गुड़ी रही आसाम मध्यप्रदेश ओडिशा महाराष्ट्र। सो बहुत सुंदर प्रश्नटे यार सठिक उत्तर हूँ आसाम आसाम राज्य में आप सर्वाधिक चाह चाष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारत द्वार क्योंठे अवस्थित ऑप्शन गुड़िक रही दिल्ली मुंबई चेन्नई नागालैंड। सो भारत द्वारा कहले गेटवे ऑफ इंडिया। सो गेटवे ऑफ इंडिया आपणकर मुंबई ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही त्रिपुरार अधिवासी माने क्यों भाषा कहते बंगाली मिजो मणिपुरी गारो। सो मन रखु आपण मानकर बंगाली होउची ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरा राज्यर। सो त्रिपुरार अधिवासी माने मोस्टली बंगाली भाषा ही कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों मसीहार आपणकर भारत छाड़ आंदोलन होता ऑप्शन गुड़िक रही 1941, 1943, 1947। मन रखु अगस्ट 9, 1942 मसीह गांधीजी नेतृत्व में आपण मानक भारत छाड़ आंदोलन स्टार्टिंग करा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भद्रक सॉरी पुरी रु भद्रक आपणकर रेलगाड़ी रे गले क्यों जोन दे जीवाक पड़िबो ऑप्शन गुड़िक रही ईस्ट कोस्ट रेलवाई साउथ सेंट्रल रेलवाई साउथ ईस्टर्न रेलवाई ना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवाई। सो आपणकर सठिक उत्तर होची ईस्ट कोस्ट रेलवाई। तो आपण पुरी रु भद्रक जदि रेलगाड़ी थ्रु रे जाउछंती तेणु आपणकु ईस्ट कोस्ट रेलवाई रो जोन दे जीवा पई पड़िबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंधारकणा रोग क्यों विटामिन अभाव होता है ऑप्शन गुड़िक रही विटामिन ए सी बी डी। सो आप जानते विटामिन ए अभाव अंधारकणा रोग होता है तेणु आपण मैंने सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोलियम रु आम कौन कौन पाई ऑप्शन गुड़िक रही किरोसिन इंजन ऑयल डीजल ए समस्त। सो मन रखु पेट्रोलियम रो बाय प्रोडक्ट गुड़िक हूँ किरोसिन इंजन ऑयल डीजल इत्यादि तेणु ए समस्त हूँ आपणकर पेट्रोलियम आम पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आलुमिनियम क्यों धातव खनिज रु मिले ऑप्शन गुड़िक हेमाटाइट महम बॉक्साइट सो डोलामाइट शिला। सो मन रखु आपणकर क्वेश्चन नंबर 24 सठिक उत्तर होची बॉक्साइट। बॉक्साइट नामक आपणकर धातव खनिज रु आप आलुमिनियम धातुटी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपणकर अम्लवृष्टि क्यों प्रदूषण जो होता है ऑप्शन गुड़िक रही जंगल मृत्तिका वायु खनिज। सो वायुर प्रदूषण जो आपणकर अम्लवृष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में अम्लजान गैस शतकड़ा केते परिमाण रही ऑप्शन गुड़िक रही 78, 21, 31, 41। सो आपण मैंने जानते वायुर जो कंपोजिशन रही से अम्लजान परिमाण पाखापाखि 21% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जल मध्य का द्वारा श्वासक्रिया करें माछ। सो माछ का द्वारा जल मध्य श्वासक्रिया करें ऑप्शन गुड़िक रही फुसफुस गाली हृदय पागस्थली। सो यार सठिक उत्तर हूँ गाली। सो जलचर जीव जहाँकि से निजर गाली श्वासक्रिया करें जल मध्य लुचि रही द्रवीभूत हो रही अम्लजान को यह
ଗାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଜମହଲଟି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟି ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍, ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହଁ? ସୋ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହେବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ତାପଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝୁମ୍ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚେରାଉ ନାଚ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମିଜୋରାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍ ଚାଷ ଏବଂ ଚେରାଉ ନାଚ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବସ୍, ସାଇକେଲ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଳଗାଡ଼ି। ସୋ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନ, କାରଣ ବସ୍, ସାଇକେଲ, ରେଳଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ଏବଂ ଗମନାଗମନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗାର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଉଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗାର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ମହାସାଗରଟି ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ସୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର 5 ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ମହାସାଗର। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁଟି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଚିନି, ମାଟି, ଚଖଡ଼ି, ତେଲ। ସୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନିଟି ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମାଟି, ଚଖଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଜଳର ନିମ୍ନ ଭାବରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତେଲଟି ଜଳ ଉପରେ ଭାସିଥାଏ। ତେଣୁ ଚିନି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଷଧର ସାପ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନାଗ, ତମ୍ପ, ବୋଡ଼ା ସାପ, ଏସବୁ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପସନ୍ର ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷଧର ସାପ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସୋ ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେ 2016 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହୃଦୟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିରେନ୍ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଏଇଟା ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।